देश के औद्योगिक विकास में सक्रिय योगदान देते हुए राजस्थान के कोटा शहर में स्थित गोयल समूह लगातार 2 दशकों से उत्कृष्ट क्वालिटी वाले सोयाबीन तेल, सरसों तेल तथा अन्य सह उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। गोयल समूह द्वारा गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से जैविक कृषि के विकास हेतु श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना सन 2016 में की गई। फिर 5 वर्ष की अवधि में इसे पूर्णतः विकसित करके 2 अप्रैल सन 2022 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री सुरेश जोशी जी और तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर जी के सानिध्य में इस केंद्र को किसानों तथा आम जन के कल्याण हेतु लोकार्पित किया गया। ग्राम जाखोड़ा कैथून सांगोद मार्ग पर स्थित लगभग 6.5 हेक्टेयर भूभाग पर फैले हुए इस अनुसंधान केंद्र का मॉडल राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्थान जयपुर द्वारा पंजीकृत है। यहाँ कृषि की प्राचीन व पारंपरिक विधियों पर शोध कार्यों तथा आधुनिक तकनीक के सामंजस्य द्वारा प्रकृति, पर्यावरण तथा जीव जगत के संरक्षण पर कार्य किए जाते हैं। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा द्वारा जैविक खेती के विकास एवं विस्तार का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देश भर से आने वाले लगभग 12,500 से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही कम लागत में गुणवत्ता युक्त कृषि से किसानों की आय में वृद्धि तथा मानव शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जा युक्त बनाए रखने के लिए विभिन्न सहज व सरल आयामों और फार्मिंग मॉडल्स की संरचना की गई है। मैं इस केंद्र से जुड़ा और यहाँ केंद्र से प्रशिक्षण लिया मैंने। प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ की टीम से जो नए तौर तरीके जो यहाँ से विकसित हुए हैं, उन तौर तरीकों के आधार पर मैं जैविक खेती करने लगा हूँ, तो मेरा उत्पादन भी बढ़ा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया मजबूत हुई। मैं इस केंद्र से जुड़कर और किसानों को भी मैं प्रेरित कर रहा हूँ भाई, वो भी यहाँ से जुड़े और जैविक खेती प्रारंभ करें। यहाँ जो घोष वाक्य है, शुद्ध आहार और स्वस्थ परिवार, उसके माध्यम से हम समाज के अंदर एक नई ऊर्जा, नई तकनीकी के द्वारा खेती करवाना चाहते हैं, उसके निमित्त इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ नए नए अभिनव प्रयोग करके किसानों को जानकारी दी जा रही है, जैसे ताज़ा गोबर का काम है, गौमूत्र के अंदर चूना डाल करके उसकी स्प्रे करने का काम है, इस प्रकार की नई नई जानकारियाँ दी जा रही हैं, जिससे किसान जैविक अनुसंधान केंद्र का लाभ लेकर के और अपनी जैविक उत्पाद का उत्पन्न करके और शुद्ध आहार स्वस्थ परिवार का जो सपना है वो साकार सिद्ध करने की ओर हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, इसके लिए ये निर्माण कार्य किए गए। और यहाँ साल 2016 के बाद से कृषि के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ अकादमिक भवन में एक सभागार, मिट्टी जांच प्रयोगशाला, कीट विज्ञान प्रयोगशाला, पादप रोग एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला के साथ बीज बैंक, मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण इकाई आदि स्थापित है। वहीं केंद्र की अन्य विशेष इकाइयों में शामिल है टेक्नो पार्क में स्वास्तिक आकार का गौग्रह, कम लागत वाली बांस की नर्सरी और प्राकृतिक ड्रायर, सब्जी खंड, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS मॉडल, फूल उत्पादन वाटिका, औषधीय फसल उत्पादन खंड, कंद वर्गीय फसल खंड, स्थानीय कृषि फसलें, रेज्ड बेड मॉडल, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, हरा चारा उत्पादन इकाई, फल वृक्ष, कृषि वानिकी तथा धनवंतरी वाटिका नामक एक हर्बल गार्डन। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं
कम लागत की गोबर गैस इकाई, बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र, प्राकृतिक ऊर्जा शीत कक्ष, सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई, वर्षा जल संग्रहण इकाई, मशरूम उत्पादन इकाई, मधुमक्खी पालन, अग्नियोत यज्ञ स्थल, आसवन इकाई, गिलोय दरबार, बैल चलित कृषि उपकरण इकाई, सरल कंपोस्ट इकाई, वर्मी वॉश इकाई, ट्रेंच कंपोस्ट, कीट नियंत्रण उत्पादन इकाई, अजोला इकाई, मौसम पूर्वानुमान इकाई, बीज उत्पादन क्षेत्र, सघन वन तथा भूजल पुनर्भरण केंद्र जैसी प्रमुख आधारभूत व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ एक पोषण वाटिका भी स्थापित की गई है, जिसमें 1620 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक परिवार के संपूर्ण पोषण में अनिवार्य अनाज, दालें, तेल, मसाले तथा औषधि आदि का उत्पादन एक साथ होता है। यह हर महीने 15 तारीख को प्रशिक्षण होता है और किसानों को खेती के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से हम एक सही तरीके से कम लागत में खेती करें। खेत पर मैंने गेहूं उगाया, 1 बीघे का गेहूं, और तेल के लिए अलसी उगाई, चारा उगाया, सब्जी, इस प्रकार मेरे परिवार की आवश्यकता के अनुसार मैंने वो खेती कर रखी है। मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि वो एक बार अवश्य यहाँ आए और प्रशिक्षण लेकर के सही तरीके से खेती करें, ताकि उनको नुकसान नहीं हो और रासायनिक खेती की अपेक्षा आज बढ़िया उत्पादन मिल रहा है जैविक खेती को। मैं इससे पूर्णतया संतुष्ट हूँ। यहाँ गौ आधारित कृषि के विस्तार के साथ जीवाणु कल्चर के विकास हेतु कई शोध कार्य किए जाते हैं, जिसमें खाद के रूप में सरल कंपोस्ट, दवा के रूप में गौ मूत्र तथा जीवाणु कल्चर के रूप में देशी गाय के ताजा गोबर का उपयोग होता है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर माह की 15 तारीख को मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होता है। अब तक करीब 7,000 से ज्यादा किसान इस मासिक प्रशिक्षण से लाभ ले चुके हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र के कृषक और कृषि हितकारी प्रयासों को देखते हुए देश भर में इसकी सराहना मिली। हाल ही में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमारे अनुसंधान टीम को संत ईश्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस केंद्र को एक आदर्श जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने में पारिवारिक सदस्यों, समर्पित प्रबंधन टीम एवं श्रमिक शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। यह केंद्र आपका अपना है, यहाँ पधारकर आप जैविक कृषि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।